चले गए हैं, बाहर आ जा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहन है। आप ना, आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरी दोस्त बनोगी? बात यह है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए गोद भराई की रस्म रखना चाहता हूँ। हम ये गोद भराई की रस्म जरूर मनाएंगे। ले, ले, ले। इधर इधर ये ले, ले। कहीं ये टाइम पास करके हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? हो सकता है इसके बैग से ही मुझे इसका एड्रेस मिल जाए। ड्राइवर, ये देखिए, ये एड्रेस है, हमें यहाँ जाना है। लक्ष्मी हो ना? लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो तुम, पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। नहीं नहीं, इसे मत डांटिए आप, ये बेचारा तो पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुका है। चलो तुम अंदर। आप अंदर आइए ना, बैठो। लक्ष्मी, रोहन पहले ऐसा नहीं था, पहले बिल्कुल नॉर्मल था। अब ऐसा क्या हुआ था रोहन के साथ कि वो इस तरह से? वो एक लंबी कहानी है, तुम फिर कभी मिलोगी तो जरूर बताऊंगी। लेकिन लक्ष्मी, तुम्हें रोहन कहाँ मिल गया? जैसे मैंने आपको बताया, मुझे अभी चलना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है ना, दीदी चिंता कर रही होंगी। अब तुम्हें रोक भी नहीं सकती, लेकिन तुम दोबारा आओगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं फोन उठाऊंगी, तुम उठाओ। हेलो सरस्वती दीदी। लक्ष्मी अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। मैंने उसे फोन भी किया मगर उसका फोन मिल नहीं रहा है। ये क्या कह रही हो दुर्गा, वो तो यहाँ से कब की गई है, अब तक तो पहुंच जानी चाहिए थी ना। शायद लक्ष्मी हो। दीदी लक्ष्मी आ गई है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, जय श्री कृष्णा। दीदी लक्ष्मी, लक्ष्मी तू कहाँ रह गई थी, इतनी देर क्यों लगा दी? जानती है हम सब कितना परेशान हो गए थे, तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी, इतने सारे सवाल, शांत हो जाइए, सब बताते। अब बैठ, पता पहले क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, बस रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी।
देखा कितनी खुशामत कर रहे हैं इसके। मेरी जान अब तो मेरे सब्र की इंतहा हो गई, अब तो बता दो कि प्लान क्या है। बस थोड़ा वक्त और, फिर देखना यहाँ पर कैसा हंगामा होता है। ठीक है। अब देर किस बात की है, सारे मेहमान तो आ चुके हैं, अब गोद भरा की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। सावित्री। बड़ी माँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे का स्वागत मेरे हाथों हो। क्या मैं पवित्रा की आरती सबसे पहले उतार सकती हूँ? हाँ नियति, असल में तो इस रस्म की असली हकदार तुम ही हो। लो। राम, इतना बड़ा अपशगुन ऐसे कैसे हो गया मुरारी? शुभ काम के शुरुआत में ही अपशगुन। नियति, तुम जानती हो ना, गोद भराई से पहले आरती की थाली गिरना कितना बड़ा अपशगुन है। वाह, ये तो है ही अपशगुनी। जब से इस गरुड़िया परिवार में आई है अपशगुनी करती जा रही है। पर ये अपशगुन मेरे ही गोद भराई में क्यों? पवित्रा, मेरा यकीन मानो, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मुझे तो खुद को नहीं मालूम कि सब कुछ कैसे हुआ। बस करो नियति, और सफाई देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ पवित्रा। बड़ी माँ, आप अब भी मुझे शांत होने के लिए कह रही हैं? अब तक मैंने ये सब कुछ शांत होकर ही तो सहा है। पवित्रा। बस नियति, बस, और तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। सोच भी नहीं सकती थी नियति कि मेरे आने वाले बच्चे से तुम्हें इतनी तकलीफ हो सकती है। अरे, उस बच्चे का क्या कसूर जिसने अब तक इस दुनिया में जन्म नहीं लिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने ये सब किया मेरे साथ? मैं जानती हूँ नियति, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब जानबूझ कर की हो। बस करो पवित्र, इसी बात को कहां से कहां ले जा रही हो तुम? सही तो कह रही है, कितना दुख हो रहा होगा इसे। हाँ रेखा बहन, ये चाहे जहां से भी आई हो, लेकिन इन हालात में एक गर्भवती औरत के साथ नियति को ऐसे नहीं करना चाहिए था। पवित्रा, तुम्हारा इस तरह उत्तेजित होना ठीक नहीं है, बच्चे पर असर हो सकता है। नियति से जरूर गलती हुई है, पर तुम शांत रहो। और प्लीज पवित्रा, इतने सारे लोगों के सामने तमाशा मत करो। तमाशा? आप लोगों को ये सब तमाशा लग रहा है? हाँ, लग सकता है, क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे की फिक्र क्यों करेंगे? लोगों को तो ये तमाशा ही लगेगा, क्योंकि नियति इस घर की बहू है।
बारे में सोचा? क्यों मैंने इस परिवार के बारे में परवरिश के लिए सोचा जब मुझे यहाँ से सिर्फ नफरत मिलनी थी? सिर्फ नफरत। मैंने इस बच्चे को मार क्यों नहीं दिया? मैंने इस बच्चे को मार क्यों नहीं दिया? ये अच्छी रही मेरी जान, इसी को तो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर। पवित्रा, ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? नियति का गिरना आकस्मिक था, वो जानबूझकर नहीं गिरी थी। हाँ पवित्रा, प्लीज भगवान के लिए शांत हो जाओ। बस बस बस, चुप हो जाइए सब, प्लीज। इन सब बातों के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे की खुशी के लिए मैं एक गोद भराई की रस्म चाहता था। बहुत हो गया, आज के फंक्शन की आरती अब नियति नहीं, बड़ी मां करेगी। अब नियति ना ही इस आरती का हिस्सा होगी, ना ही इस रस्म का और ना ही इस फंक्शन का। पवित्रा का फेंका हुआ ये पत्ता भी कामयाब रहा। जीत मुबारक हो कचरे। ये देखो रसीली भाई, इतने सारे तोहफे एक साथ मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं मिले। ये रिवाज रोज क्यों नहीं होती? माल का माल, धमाल की धमाल और चाल की चाल। हाँ मेरी जान, एक तीर से तीन शिकार। ये देखो रसीली भाई, एक से बढ़कर एक तोहफे हैं। वैसे एक बात है रसीली भाई, राजपिपला के लोगों की पसंद तो माननी पड़ेगी, लेने वाले को देख कर देते हैं। कुछ भी हो मेरी जान, आज के तीन शिकार कमाल के थे। एक तो इतने सारे तोहफे, दूसरा वो हंगामा और तीसरा युवराज के दिल में बेशुमार नफरत, वो भी नियति के लिए। ये तो सिर्फ एक खेल की शुरुआत है रसीली भाई, और इस खेल का अंत तब होगा जब युवराज और मेरी जिंदगी से नियति हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये अच्छी कही मेरी जान। आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो नियति के लिए ठीक नहीं हुआ। मैं महसूस कर सकती हूँ कि नियति पर क्या बीत रही होगी। क्या बात है मेनका बहन, कुछ चाहिए? सावित्री बहन, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि उनकी कोई खबर आई, कोई फोन, मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं।
ईश्वर करे मेरी बेटी के बारे में जल्दी से पता चल जाए। मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ। आप नहीं जानती सावित्री बहन, वो वक्त बहुत मुश्किल था मेरे लिए कुछ भी तय कर पाना। काश काश तब मैं वो गलती नहीं करती। हालात आज ऐसे नहीं होते। मुझे जो हो गया सो हो गया मीनका बहन। जिन गुजरी हुई चीजों को हम बदल नहीं सकते उनके साथ जीना ही सीख लेना चाहिए। जैसे ही मुझे इनके या बच्चे के बारे में पता लगता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है सावित्री बहन, मैं चलती हूँ। हे भगवान, मुझसे यह अपशगुन हुआ कैसे? पता ही नहीं चला कब मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं गिर गई। युवराज, मेरा यकीन मानो, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। मुझे तो खुद को नहीं मालूम कि सब कैसे हो गया। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है और अब एक्सक्यूजेस मत दो प्लीज। आज नीचे जो कुछ भी हुआ उससे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा बल्कि शर्म महसूस हो रही है। युवराज, तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ मैंने जानबूझकर किया? लगता नहीं बल्कि पूरा यकीन है। तुम कजरी की इस बात से जलती हो। मैं जलती हूँ? हाँ, और तुम्हारी ये जलन कजरी और उसके बच्चे को, हमारे सपनों को तकलीफ पहुंचा सकती है। तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो नियति? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? युवराज, नियति, माफ करना, मैं दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर आ गई। नियति, नीचे मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया उसके लिए माफी मांगती हूँ। दरअसल मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई, बच्चे की बात को लेकर भावुक हो गई, इसलिए मेरे मुंह से इतना कुछ निकल गया। वो क्या है ना कि मैं अपने बच्चे के बारे में पूरा सोच भी नहीं सकती, इसलिए ये सब नहीं। कर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी शायद यही करता। गलती तुम्हारी नहीं, गलती नियति की है। नहीं युवराज, बड़ी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी और मैं भी मानती हूँ कि नियति चाहकर भी मेरे या मेरे बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। वो तो बस मैं ही मैं जानता हूँ और समझता भी हूँ कचरे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नियति, हो सके तो मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना।